स्वयंपाक घर जहाँ पे खाना बनता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है हमारे घरों का। खाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे जीवन का, और उस खाने की जो एनर्जीज हैं वो एनर्जी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो लोकेशन और प्लेसमेंट ऑफ किचन, और दूसरा जो किचन में खाना बना रहा है। तो ये प्लेसमेंट ऑफ किचन जोनिंग के हिसाब से डिसाइड होता है, और जो खाना बना रहा है उसका फेसिंग के हिसाब से डिसाइड होता है। और ये दोनों दिशाएं जोनिंग की, लोकेशन की और फेसिंग की बहुत मायने रखती हैं। और इस दिशा का महत्व समझने के लिए हमें एनर्जी पे रिलाय होना पड़ता है, ना कि सिर्फ दिशाओं पे। दो दिशाओं में फायर एलिमेंट स्ट्रांग होता है, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। किचन को नॉर्मली साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में ही रखा जाता है, और हाउसवाइफ या कुकिंग करने वाला आदमी या पर्सन शुड ऑलवेज फेस आइदर ईस्ट और नॉर्थ। तो वो खाने में वाइब्रेशन पॉजिटिव जाती हैं, क्योंकि उसके फेसिंग से जो वाइब्रेशन आती है और जो हाथों से खाने में स्वादिष्ट वाइब्रेशन अंदर जाती है वो स्वाद में एडिशन करता है, क्योंकि उसके साथ उसकी एनर्जी उस खाने के प्रोसेस, खाने को बनाने के प्रोसेस में जाती है। तो किचन की दिशा बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसको समझने के लिए हम एनर्जी की बात करें तो लेडी ऑफ द हाउस अगर साउथ और वेस्ट फेसिंग खाना बनाती है तो उनके घुटने में दर्द होता है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में बहुत दर्द होता है, क्योंकि फायर एनर्जी डिसिपेट नहीं हो पाती है। जब हम खाना बनाते हैं तो अग्नि तत्व का बहुत महत्व बढ़ जाता है, इसीलिए नॉर्थ वेस्ट विंड की एनर्जी है जो अग्नि तत्व के साथ बैलेंस करती है, और साउथ ईस्ट अग्नि का एलिमेंट है जो अग्नि तत्व को प्रेरित करती है। कभी कभी हम स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हाउस में ही किचन का लोकेशन जोन बनाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि कई घरों में साउथ ईस्ट में एग्रेशन वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होती है, वो जियोबायोलॉजिकल एनर्जी मेजरमेंट से मालूम पड़ता है। तो अगर आपके पास S3 गोल्ड लेकर एंटीना है और आप जियोबायोलॉजी प्रोसेस जानते हैं तो पहले ये चेक करें कि घर में एग्रेशन किस लेवल पे है, और उसके बाद साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का डिसीजन लें। थैंक यू।